एयर पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, स्कूल फिर खोलने की आलोचना। चीफ जस्टिस बोले, वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम, लेकिन बच्चे जा रहे स्कूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने प्रदूषण रोकने के नहीं किए उपाय। राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर हंगामा जारी, निलंबित सांसदों का काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का समर्थन, सस्पेंशन रद्द करने की मांग। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र और यूपी सरकार की आलोचना की, यूपी परीक्षा लीक मुद्दे पर बोले वरुण, कब तक सब्र करेंगे युवा, लीक हुई कई परीक्षा, उम्मीदवारों को रिजल्ट और भर्ती का इंतजार। 4 दिसंबर को दक्षिणी तट से टकरा सकता है चक्रवात जवाद, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, ओडिशा के 13 जिलों में अलर्ट, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश के आसार। केंद्र से तनाव के बाद महाराष्ट्र ने बदली कोविड गाइडलाइंस, अब घरेलू यात्रियों के लिए जरूरी नहीं आरटीपीसीआर, केंद्र ने कहा समान हो नियम। राज्य सरकार का बयान, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को नहीं दी जाएगी ढील। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कैलिफोर्निया में संक्रमित, पूर्ण टीकाकृत है मरीज, फिलहाल क्वारंटीन में, अब तक 24 देशों में फैला वेरिएंट। और 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी की बरसी पर मनाया जा रहा प्रदूषण नियंत्रण दिवस, बढ़ते प्रदूषण और औद्योगिक आपदाओं पर जागरूकता फैलाना मकसद, प्लांट से लीक हुई जहरीली गैस से मारे गए थे 25,000 लोग।